press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों वीवो वाई 12 हमारे हाथ में दिख रहा होगा आपको। दोस्तों इससे पहले मैंने कराई है जो है वाई 17 वाई 15 की अनबॉक्सिंग और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसे पसंद किया है, इसलिए मैं ब्रांड न्यू मॉडल वीवो का वाई 12 आपके सामने लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे इसकी पूरी फीचर्स एंड डिटेल के बारे में, एक सिस्टमेटिक अनबॉक्सिंग यहाँ पर देखने वाले हैं। और दोस्तों इस फ़ोन की सबसे बड़ी जो खास बात है वो है इसका ट्रिपल रियर कैमरा, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी फीचर्स एंड डिटेल, साथ में जो है अगर आप इसका कंपैरिजन किसी के साथ देखना चाहते हैं, और आने वाले समय में मैं इसका कंपैरिजन नोट 7S से लाने वाला हूँ, लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन किसी अदर मॉडल से देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये फ़ोन मुझे मिला है DKG मोबाइल फ़ोन से, तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं। तो चलिए दोस्तों इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर आप वाई 17 वाई 15 के बाद आप हमारी टेबल पर देख रहे हैं वाई 12 को। दोस्तों यहाँ पर अगर पैकिंग की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको वाई 17 और 15 की ही तरह देखने को मिलेगी, और इसका भी की फीचर आपको सामने देखने को मिल जाएगा, यानी कि 5000 mAh बैटरी का। दोस्तों अगर बात करी जाए अपर सेक्शन की तो यहाँ पर आपको वेरियंट से रिलेटेड डिटेल दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर जल्दी से अगर बात करें एक बार इसके बैक सेक्शन पर, तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट सी डिटेल दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर आपको AI ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा। और बैटरी के बारे में मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूं। और स्क्रीन की अगर बात करें तो यहां पर आपको फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। तो दोस्तों जल्दी से एक बार बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि यहां पर आपको और क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर बॉक्स हो गया हमारा ओपन, आप इसे कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं बाहर। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर आपको एक अलग से सेक्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर इस सेक्शन को निकाल लें बाहर, उसके बाद बात करें कि यहाँ पर आपको देखने को क्या क्या मिल जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है वीवो की जो है कुछ क्विक स्टार्ट गाइड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए यहाँ पर कवर के बारे में, तो यहाँ पर आपको एक नॉर्मल सा कवर देखने को मिल जाएगा जो कि ट्रांसपेरेंट है। तो दोस्तों इस कवर की खास बात यह है कि इसकी रबड़ थोड़ी सी मोटी है जो कि आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करेगी। वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए इसके ट्रांसपेरेंट और वाइट होने की वजह से यहाँ पर आपका जो पीला पड़ने वाली प्रॉब्लम है वो आपको यकीनन देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर बात करी जाए फ़ोन की, तो इसे निकाल के फिलहाल तो साइड में रख लेते हैं। इसके बाद अगर बात करें बॉक्स में और क्या क्या मिल जाता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कुछ स्टिकर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें तो हर बार की तरह यहाँ पर छुपा के एक जो है सिम इजेक्टर पिन दे रखी होती है, और दोस्तों इन दोनों को ही रख लेते हैं साइड में। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चार्जर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों देखना ये होगा कि यहाँ पर चार्जर आपका किस स्टाइल का है। दोस्तों यहाँ पर आपका ट्रेडिशनल चार्जर देखने को मिल गया है जो कि है आपका 5V 2A का। तो दोस्तों यहाँ पर चार्जर तो आपको एकदम ट्रेडिशनल देखने को मिल गया है। अब देखना होगा इसी केबल के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको माइक्रो USB ही देखने को मिली है। दोस्तों मैं ऐसा सोच रहा था कि शायद अगर वाई सीरीज में अगर वीवो जो है आपको टाइप सी देता तो शायद इसकी बात ही कुछ अलग होती। तो फिलहाल अभी इन सब चीज़ों को साइड में रख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं इस फोन के बारे में। तो दोस्तों ये रहा हमारा फोन। अगर बात करी जाए एक बार इसके बैक सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको एक कुछ डिटेल्स वगैरह दे रखी हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट दे रखा है, जिसकी डिटेल्स आपको बैक पे मेंशन कर रखी गई है। तो दोस्तों जल्दी से फोन को निकाल लेते हैं बाहर कुछ इस तरीके से स्लाइड करा के। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा फोन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर बात इसकी स्क्रीन की करी जाए, तो यहाँ पर आपको 6.35 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप थोड़ा सा इस बात पर गौर करिएगा, यहाँ पर आपको फुल HD+ देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले दे रखी गई है वो है एक HD+ डिस्प्ले। वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए यहाँ पर इसके सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पर आपको जो है 8 MP का सेल्फी कैमरा दे रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अगर साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर्स दे रखे हैं और साथ में पावर बटन दे रखी गई है। और दोस्तों अगर इसके बैक सेक्शन की तरफ चलें, तो काफ़ी ज़्यादा आपको खुश करने वाला लगेगा। आपको एकदम चमकदार सा इसका जो है बैक लुक देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है आपको चौंकाने वाली बात वो ये होगी कि यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दे रखा है, जो कि इस बजट में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है।
इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके कैमरे की तो यहाँ पर आपको 13+8+2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। वहीं नीचे की तरफ आपको एक LED फ्लैश देखने को मिलेगा। दोस्तों हर बार की तरह वीवो का जो है यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर रहता है और नीचे आपको जो है वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। अपर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा और यहाँ पर साइड में आपको एक डेडिकेटेड सिम स्लॉट ट्रे देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों अगर मैं बात नीचे की करूँ तो यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल, माइक्रो USB पोर्ट, माइक और ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये एक बार बेसिक सा इसका फिजिकल ओवरव्यू रहा। दोस्तों जल्दी से एक बार फोन को सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों फोन हो गया है हमारा ऑन और दोस्तों बात करी जाए एक बार इसके स्क्रीन की तो यहाँ पर आपको HD+ डिस्प्ले काफी ज्यादा शानदार देखने में लगेगी। वहीं दोस्तों अगर जल्दी से बात करी जाए एक बार इसके UI के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज UI आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं इसकी सेटिंग में और जाते हैं एक बार इसके अबाउट फ़ोन में और चेक करके देखते हैं कि यहाँ पर आपको और क्या क्या चीज़ें मिल गई हैं। तो दोस्तों ये रही इसकी सेटिंग और ये रहा इसका अबाउट फ़ोन। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर फन टच OS दे रखा है, साथ में यहाँ पर आपको मॉडल से रिलेटेड डिटेल वगैरह दे रखी गई हैं। प्रोसेसर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है हीलियो का P22 प्रोसेसर जो कि है आपका ऑक्टा कोर बेस्ड। वहीं अगर बात करी जाए इसकी रैम की तो यहाँ पर आपको 4GB रैम देखने को मिल जाएगी जो कि आपकी आती है 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। दोस्तों अगर बात करी जाए जल्दी से एक बार इसके एंड्रॉयड सिस्टम की तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड वर्जन 9 देखने को मिलेगा जो कि है आपका 9 Pie। वहीं दोस्तों अगर जल्दी से बात करते हैं एक बार इसके चल के सिक्योरिटी पैचेस के बारे में तो सिक्योरिटी पैचेस जो है आपको मार्च के हिसाब से अपडेट देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये एक बार बेसिक सी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है और जल्दी से चलते हैं एक बार इसके कैमरे की तरफ। तो दोस्तों ये रहा इसका कैमरा। तो दोस्तों यहाँ पर कर लेता हूँ मैं इसको फोकस और देखते हैं आपको यहाँ पर क्या क्वालिटी मिलती है। तो दोस्तों जल्दी से यहाँ पर मैंने कर लिया इस फोटो को क्लिक, उसके बाद यहाँ पर करता हूँ इसको जूम तो यहाँ पर आपको एवरेज क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। हालांकि काफ़ी ज़्यादा डेप्थ मेंटेन करता है इसका कैमरा और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर वाई सीरीज़ के कैमरे की तो खैर कोई जवाब नहीं, लेकिन अगर दोस्तों बात करी जाए सेल्फी कैमरे के बारे में तो यहाँ पर मैं इससे भी जल्दी से एक फ़ोटो को क्लिक कर लेता हूँ। और बात करें इसकी पिक्सल क्वालिटी के बारे में तो यहाँ पर आपको इसमें भी एक एवरेज क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। हालांकि मैं उतनी तारीफ तो नहीं करता इसके सेल्फी कैमरा की, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों अगर बात करिए जल्दी से एक बार इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक की तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सेट कर लिया है दोनों को ही। तो दोस्तों यहाँ पर कर लिया है लॉक मैंने इस फ़ोन को और जैसे ही आप इस पर फिंगर रखते हैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से ये ओपन होता है। आपको हल्का सा भी डिले देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ ये फ़ोन काम करता है। उसके बाद अगर बात करें इसके फेस अनलॉक की तो दोस्तों यहाँ पर कर लिया इसको ऑन और जैसे ही मैं अपने फेस की तरफ लाता हूँ ये खट से ओपन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। हालांकि थोड़ा सा आपको फेस लॉक हो सकता है ना समझ में आए क्योंकि यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक बेहतरीन फ़ोन देखने को मिल गया है। आप जल्दी से एक बार इसके पिक्चर सैंपल्स देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं।